किसी को चाहो तो चाहो इतना कि किसी और चाहत की चाह भी न रहे। Sir, my back, my apologies. I don't mean to turn my back on you. My back, is it okay if I stand here and talk? Huh? Is it okay? Okay. Yeah? Okay. Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. His Excellency, Sri Vidyasagar Rao Garu. Srimati Pamela Chopla ji, my little sister. Shatrughan ji, and all the distinguished guests and all the jury members, thank you, thank you, thank you so much for this honor. I've always maintained that it's more important for me to give than receive. I guess I gave my share of the only thing I know of, that is love, to receive this in the form of Yeshji's award. So thank you for that, all the jury members and everybody who voted for me. I take this award as not just an award or a validation, but I think it is something of a reminder to say that the curtains have not fallen yet. There is still the best is to come in the near future, inshallah. And it will definitely be a reminder for me to do better than the best, better than ever before. And this is not my last chapter, but this is the best. Best chapter yet to begin. यश जी के बारे में बोलना छोटा मो बड़ी बात हो जाएगी, उनके बारे में क्या कहने हैं। इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है। न सिर्फ उनकी फिल्मों को देख करके मुझे समझ आया कि अच्छा प्यार ऐसा होता है, न सिर्फ बोलने में या दिखने में खूबसूरती है, एक बहुत मुलायम जज्बात है, लेकिन एक एहसास जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान महसूस ज़रूर करता है, वो यश जी ने मुझे सिखाया। उनकी संगत में तो मैं एक शायराना बन गई, मैं शायर बन गई, और मैंने ज़िंदगी में एक शेर लिखा है, तो अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मैं पहले भी कर चुकी हूँ और फिर से दोहराऊँगी क्योंकि माहौल भी ऐसा है, कि अगर किसी को चाहो तो चाहो इतना, अगर किसी को चाहो तो
तो चाहो इतना कि किसी और चाहत की चाह भी ना रहे। ये यश जी ने मुझे सिखाया। पीछे किसी ने बोला, कितना भी कह लीजिए वो बात नहीं है, वो बेस ही नहीं है। खैर, एक और बात उन्होंने ही मुझे सिखाया, बल्कि उनकी फिल्म में मैंने डायलॉग भी बोला कि वो बात जो लफ्ज़ों में अदा हो जाए वो बात ही क्या। हैविंग सेड दैट, कुछ तो बोलना है। इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें सब लोगों ने मेरे बारे में कही है, सिर्फ पैमी ने नहीं कही है, कोई बात नहीं, मैं घर आ जाया करूँगी सुनने के लिए, इस बहाने घर आऊँगी। लेकिन उन्होंने ये मुझे इंस्पायर किया और मुझे सिखाया कि एक शेर में मैं आज कर देती हूँ उन्होंने क्या मुझे सिखाया। गुलजार भाई साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, इजाज़त है जी, बहुत टाइम नहीं लेना चाहती, मुझे भी भूख लग रही है। यश जी, दिस इज़ फॉर यू। मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं कायनात में कई सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं ज़मीं पे भटकती रही हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा उसकी तरह। मैं इस ज़मीं पे भटकती रही हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा उसकी तरह। वतन मिला तो गली के लिए भटकती रही, गली में घर का निशा ढूंढती रही परसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकती हूँ मैं, तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकती हूँ, लबों से चूम लो आँखों से थाम लो मुझको, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पना मिले। शुक्रिया, शुक्रिया यश जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद।